तो मेरे पास बायोमेट्रिक डेटा है जिसमें नेम है, इन और आउट है, इन आउट में टाइम है, जी तो मुझे निकालना है कि सबसे पहले कब इन हुआ और सबसे पहले कब आउट हुआ। ठीक है। ठीक तो मैं यहां पे इन के लिए लगाऊंगा मीन इफ, क्या लगाऊंगा, मीन इफ्स नॉट इफ। फिर आता है है, रेंज, कि किसका मिनिमम ठीक निकालना है आप। है, तो डेटा पे गया, रेंज हमने इन को ले लिया स्कोर, वन। ठीक है। फिर आता है क्राइटेरिया वन रेंज, हमने क्राइटेरिया वन दे दिया। फिर यहाँ ठीक पे है, आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्राइटेरिया वन यहाँ डाल दिया, इस पे जाके शीट थ्री हाँ, जो कि नेम है हमारा। ये कविता। अब आता है क्राइटेरिया टू रेंज। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सिर्फ डेट है ना, जी लेकिन डेटा में जी डेट नहीं है, डेटा में क्या है, डेट विथ टाइम है। हाँ डेट विथ टाइम। क्या मॉडिफाई किया था क्या आपने, जो फिल्टर लगा रखा। नहीं, फिल्टर लगाया, चेक कर रहा था। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट तो यहां ऑल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट तो इसमें जैसे कि मेरी लास्ट क्लास लास्ट वाले सेशन में किया था, आपने देखा था कि इसमें हमने ये लेस देन ग्रेटर देन वाला सिस्टम किया था, याद है ना। किया। हाँ तो अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, ठीक है ना, तो आप इन और ठीक है, आउट का एक अलग कॉलर यहाँ बना लीजिए दोनों। एक तो ये तरीका है जो आप कर सकते हो, मैंने लास्ट क्लास बताया था। दूसरा तरीका है कि मैंने इन आउट में यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ इंट का फॉर्मूला लगा दिया, किसका, इंट, इंट का। जो कि डेसिमल को रिमूव कर देता है। तो अब सिर्फ बस वही डेट डेट यहाँ रह दे दिया, गया। अब सिर्फ डेट क्या की दे दिया, फॉर्मेटिंग चेंज कर देते। अच्छा चेंज करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक ठीक है। है। अब जो यहां हम मीन इफ लगा रहे हैं ना, हाँ तो मीन इफ में हमारा डेटा के अंदर क्या हो जाएगा, आपका हमारा मिनिमम हो जाएगा कि मुझे ये हो इनका चाहिए, और क्राइटेरिया वन हो जाएगा। जाएगा नेम, और वापस सीट थ्री में क्राइटेरिया हम ले लेंगे कविता। कविता, ठीक फिर डेटा में आते है। हैं, क्राइटेरिया इन के हमारा हो लिए जाएगा ए इन, ये ठीक है, और और डेटा में हम क्राइटेरिया हो जो, गया डे, और क्राइटेरिया हो गया ये कैटेगरी डे ठीक है। गलत रिजल्ट। अब यहाँ पे पी आ गया, एक बाहर के पी आपने आ, दे दिया, वो बी को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। पी हाँ ठीक है, बी सही तो सेलेक्ट। है, बी तो सिलेक्ट है, ये पी आ गया क्योंकि इसमें पहले से कस्टम फॉर्मेटिंग लगा था ना, इसलिए। हाँ ठीक है, ठीक तो इसको हम नंबर में ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो ये देखिए आ गया। अब इसके ऊपर हमें टाइम का फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट में जाइए, और फॉर्मेट में टाइम मैंने वाले आपको नंबर कर। फॉर्मेट के अंदर कस्टम था ना हमारा, कस्टम सॉरी हाँ, कस्टम करना था, नहीं टाइम कर देना ना वहीं टाइम भी कर सकते हो, कस्टम कस्टम पे। नंबर फॉर्मेट में चले जाते हैं, हाँ ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं बड़ी ब्रैकेट में एच और स्लैश MM, सिंपल सा ये क्या आ गया, ये उस हमें बड़ी ब्रैकेट में दे दिया है, बड़ी ब्रैकेट में नहीं देना चाहिए, तो कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है ओके। अब ये सब चीज कुछ। मेरे को पता नहीं है ना फिर, वो अभी अच्छे से अभी तो ये ये तो बताया लास्ट क्लास, बताया था अगर ना अपने कस्टम वर्डिंग, बताया था ना बड़ी ब्रैकेट लगाते मैं हैं, हाँ कस्टम नहीं, बड़ी ये नहीं ब्रैकेट बताया था आपने। सर, मिनट कन्वर्ट करने के लिए बताया था ना, टेक्स्ट फॉर्मूले में लगा कर नहीं सकते अच्छा, हैं। हाँ अच्छा एच एम का उतना ही बताया था। अब ये जी गलत आ रहा है फिर। सही है, 12:45 में सबसे पहले एंट्री हुई है इसकी, अच्छा ठीक ठीक है ना। अब है, आगे ड्रैग करना है, तो हमारा बी फिक्स है, उसके ए बाद फिक्स है, ए बी फिक्स है, फिक्स डी है, ए फिक्स है, फिक्स और उसके बाद है, ए थ्री ए का कर ए दीजिए, फिक्स थ्री है, लीजिए को ए फिक्स। हाँ और बी और वन इसे का बी वन को। फ्रीज है, ठीक है, हाँ, और नीचे ड्रैग कर दीजिए, सबका टाइम आ जाएगा, आ गया टाइम। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक आगे है। लिए। हाँ अब इसमें ए के यहाँ पे बी बाई बी को कनेक्ट करना है, मेन मुझे की सी जगह बाई सी को करना है, ठीक है, ठीक और है। मीन की मीन जगह की जगह मैक्स होगा मैच, ना सर इसमें। हाँ मीन की जगह मैक्स कर लेते हैं, बाकी ए बाई ए को मैच करेगा, डी बाई डी के जगह पे हम करते हैं
ई बाई ई मैच करेगा, सिंपल। हाँ और मैक्स मीन इफ की जगह पे हम लगा देते हैं मैक्स मैक्स इफ, इफ्स, ठीक है। ठीक है ये वापस वही, तो इसी ठीक है, फॉर्मेट प्रिंट प्रिंटर से हम पेंट करते हैं, कर देते ठीक है। हैं, कंटिन्यू और करते नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले को लीजिए कॉपी करके और पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट या ड्रैग कर दीजिए आप सिंपल से, ठीक है। आ गया रिजल्ट। लेकिन अगर यही चीज एक्सेल में होता ना सर, तो पिवट टेबल्स हाँ निकल जाता सिंपल सा, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। हाँ हो गया।